मामा भांजा की जोड़ी आपके सामने एक बारी फिर से हाजिर है। भाई हम तो हिंदुस्तान में बैठ के न्यूयॉर्क को बचाते हैं। कैसे? क्योंकि स्पाइडरमैन हम ही तो है। मस्त जोक मार रहा है, मस्त जोक। हाँ, हम दोनों स्पाइडरमैन है और स्पाइडरमैन का ये हमारा कंट्रोलर है, तो हम हिंदुस्तान में बैठ के आपको बचाएंगे न्यूयॉर्क को। तो वेल, आज क्या है, आज पीटर जो है वो वेटर बन गया है। तो पीटर को एमजे कह रही थी कि भाई तू कोई काम धंधा नहीं कर रहा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तो उसको ना नौकरी नहीं मिलती थी। वो कहता भाई मैं वेटर बन जाऊंगा। हाँ भाई, वो एक बड़े अच्छे 5-स्टार होटल में वेटर बन चुका है और वहाँ पे हंटर्स जो है यानी कि क्रेवन की आर्मी उनको वो सर्व कर रहा है। वेल, उसके पीछे उसका कुछ मकसद है, तो आइए जानते हैं कि वो मकसद क्या है। मेन्यू में क्या है? इडली सांभर, डोसा, मसाला डोसा, रायता है। रायता कोई डिश है वो तो साथ में देते हैं। चमगादड़ के लेंडे, हाँ 4 प्लेट लगा दे। ओके सर, अभी आया। दे, मैं भी लगाता हूँ। नहीं नहीं, तो इतना ऑर्डर थोड़े लगाने। तो भाई ये देखो। हाँ, देख मैं। ये हमारी आर्मी है बस। यो, क्रेवन आर्मी इज हियर। इधर गुंडे आ गए ओए। दैट सुपर सुपर फास्ट गुंडा ओए। अ सुपर फास्ट गुंडा। ओए मेरे को उधर जाना। बब्बे आ सा, तेरे को किसने बोला ने? जाइए सर। तो ये भी हमारा एक साथी है, होटल में ही काम करता है ये भी परेशान है इन सब से। तो मैं बताया बोलना। क्योंकि ये ना ऑर्डर्स अजीब अजीब से दे रहे हैं। तो यहाँ पे परेशान हो गए हैं सब, ये मतलब इन सब से ना सब परेशान हो गए। अरे देखो इधर लड़ाई लगी हुई है। लड़ाई नहीं भाई, WWE खेल रहे। तूने मेरे अंडे का पीस कैसे खाया? तूने मेरे अंडे का पीस कैसे खाया? ले तेरे अंडे तोड़ू। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये जो थाला है ये थाला लेके जाना है क्रेवन के बॉडीगार्ड के पास, जिसका नाम है डीमा। हमें पता ही नहीं है वो कौन है, हम ऐसे किसी के पास भी जा रहे हैं क्योंकि हम तो वेटर बन के आए, हमें नहीं पता ना। हमको तो मिशन अकम्प्लिश करना है। आपको अपने बड़े का शाउट आउट चाहिए? अब बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गए है ना। ये जा कर रहा भाई, कोई 10। अरे यार क्या कर रहा, आराम से चलना। अरे यार खुद उसकी गलती की वजह से वो गिरा और हमें बोल रहा है। अरे यार खुद की गलती की वजह से गिर रहे हैं। पीटर तू है ना, अब ये जाएगा अपने शेर के पास। तो भाई अब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में है कौन ये बॉडीगार्ड। शेरू है, शेरू शेरू आएगा मेरे ख्याल से। अभी शेरू शेरू आ जा, जब शेरू आ गया, शेरू अपना शेरू आ जाएगा। आ गया ना शेरू। रॉयल बंगाल टाइगर इन न्यूयॉर्क भाई, उसके अंदर से मैडम आ गए बाहर भाई। इसके एब्स देखी थी तूने वैनम के सूट में ही, याद है आज ही खेल रहे थे जब हम। भाई हम फालतू चीजें नहीं दिखाते, मारपीट तो मस्त चल रही है। याद करो तो मैं एक चीज बताऊं, हम दोनों WWE खेलते थे ना, एक बार में रोया भी नहीं था ना इसने, पता क्या किया, एक गोल जैसा बॉल जैसी आती बहुत बड़ी सी ना, उससे हम मारपीट कर रहे थे दोनों को। फिर अचानक से ना कुछ बॉल थी ना इसने ऊपर मार के मेरे ऊपर तो मार दिया, शीशा भी मेरे को इधर लग गया, पूरा टूट गया भाई। अब ये लेना हमको, ये तो बड़ा आइडिया आता नहीं है क्या तेरे को? तो अब इनको हम थोड़ा डाइवर्ट करेंगे। मैं तो बिना करे तो ले लेता हूँ। डाइवर्ट कर लिया है, चल पता नहीं है कैसे लेते हैं, पता नहीं यार आता ही नहीं आजकल के बड़े लोगों को कुछ। नहीं भाई हमें कुछ नहीं आता है यार। तो दे यार, अभी भी आता ही आता है सब कुछ भाई। भूल गया क्या ट्रायंगल दबा यार, तू ये क्या कर रहा है?
ऐसे नहीं मिलने वाला कभी भी, सच बता रहा हूँ। ऐसे ही मिलेगा ब्रो। गाइस ये टाइम वेस्ट कर, हमको मीटू लेना है, मीटू वहां से। चिकन तेरे से भी नहीं ले पाएगा यार तू, मेरा आप दे मेरे को, मैं बता सकता हूँ, मैं बड़ा तेज हूँ। ट्रायंगल तो बना यार, मैं आ गया। अरुण का ऑप्शन आ रहा है, लेना नहीं आ रहा बच्चे को, मेरे बच्चे को लेना नहीं आ रहा। ओ भाई बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा बड़ा रोता है, सच बताऊं मैं, मेरा बच्चा रो रहा है। लिया नहीं जा रहा, मैं कर देता हूँ यार। चले भाई तू कर ले यार, कोशिश करने दे मेरे को। मीट का टुकड़ा लेना है हमारे शेर साहब के लिए, लेकिन अच्छा है तो मैं भूल ही गया था, माय बैड। अभी तो बोल रहा हूँ ट्रायंगल ट्रायंगल दबा, तो लक्ष्य की तरफ जाना है। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रैंक्विलाइजर लेना है। आहो मुझे ये भी आता, क्योंकि हमें जो शेर है उसको सुला देना है ताकि हम उधर छानबीन कर पाए अच्छे से। क्या कर रहा हूँ, यार वो कैसे करता था बंदा, कहाँ है बंदा, मिल गया बंदा। बंदे को हमने सुला दिया, अब हम लेंगे अपना सिस्टम, ट्रैंक्विलाइजर निकालना हमको इसके गले से। मतलब तब से ट्रैंक्विलाइजर इसको लगे रहने, उन्होंने निकाला भी नहीं इससे, क्या बंदे हैं यार भाई, गुंडे हैं ना ये सब, भूल गया। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कुछ भी कर रहे हैं दुनिया यार, दुनिया में कुछ भी चलता रहता है, सच बताऊं भाई। अब मीट खाएगा, मीट सुला दूंगा तेरे को, टीमा स्नैक ही स्नैक है, स्नैक ही स्नैक, पीटर ने बोला ये ले, स्नैक ही स्नैक है, स्नैक ही स्नैक ही स्नैक ही स्नैक्स बोल रहे थे, जितना खाना खा। जैसे बरसात का मौसम में पकोड़े खाने का मन हो तो कोई बोले अरे पकोड़े ही पकोड़े, इसका मतलब ये उसको भी खा जाएगा है ना, सबको जितना खाना खा, बात उसी है। डर नहीं लगा इसको, मार देगा वो उसको, तो स्नैक ही करता हूँ, स्नैक स्नैक ही बेटा। बाय बाय। तो भाई अब हमारी छानबीन हो गई शुरू, चलो जूम करो बैक ले। क्रेवन एक बहुत ही धार्मिक इंसान है, जिससे बड़ा मैं हूँ, तो इज्जत बढ़ गई क्रेवन की। इधर है ना, क्रेवन को कैंसर भी है। हाँ भाई अब हो गया असली फाइट स्टार्ट, बंदा आ गया, बंदा ये वही बंदा है जिसको हम पहले बीमा समझ रहे थे, इसको बॉडीगार्ड समझ रहे थे, लेकिन बॉडीगार्ड ये है क्रेवन का। कौन है, शेरू? इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आए भाई, मैंने सुना ही नहीं जो तूने बोल, आज फाइट करते हैं दोस्तों। अरे इसको जिंदा ही पकड़ो, इनको पता नहीं है हम स्पाइडरमैन है, वेनम वाले हैं, ये पावर इसमें है। हर बार ही बोलेगा अब तू, हाँ मजा आता है यार, हर बार ही बोल साबित क्या करना चाहते है भाई। अपने सिम्बियोट सर्च से हम तबाह कर रहे हैं पूरी क्रेवन की आर्मी, होटल हमने पूरा तबाह कर दिया। भाई भाई ये देखो कुत्ता, फाइटिंग स्टाइल ही अलग है यार, मतलब वेनम जब घुसता है ना, वेनम को वो सर्ज आता है जब, अरे मैं क्या कर रहा हूं, सिम्बियोट सर्ज कहते हैं वो, एक फाइटिंग स्टाइल ही बदल जाता है, इतना मजा आता है कि मजे को भी मजा आने लग जाता है। हाँ तो देखिए हवा में मारे जा रहे हैं मुक्के, पावर्स को वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। कहां हो रही है, कहां हो रही है, नीचे देख, खत्म हो गए ना वो, वेस्ट हो रही है ना, ऊपर से दिखता है वो वेस्ट की गया गया। तो हैविश को पावर्स वेस्ट करने में बहुत मजा आता है,
देखिए वो पूरी पावर खत्म हो गई। हाँ नहीं तो भाई देखो क्या मस्त चिपक गया यार, काले काले वो। इनको बोलते क्या है वैसे? इसको बोलते हैं गू। हाँ याद आया, हमने स्टूडियो में बोला था गू। जस्ट लुकिंग लाइक, सच्ची में बोलते हैं गू भाई। हाँ भाई झूठ नहीं है, वेनम से जाके पूछ लो, स्पाइडरमैन से जाके पूछ लो। खाने का टुकड़ा है ना? हाँ। ए मोटे सांड, मोटे सांड मोटा पैसा दिखा तो कोई मार जैसा, मार के बताइयो। आ मार देगा ये मोटा सांड, उड़ गया। लग रहा है मोटा वाला, मोटू कहाँ है? तो तेरे को भी मजा चिकाता हूँ। भाई अभी हैवीशी फाइट कर रहा है, मैंने कहा चल कर ले कोई नहीं, मरता ही नहीं है यार। मैं कुछ नहीं कहता भाई, तुम्हें पता मैं भूल गया। ऐसे भी तुम्हें देखना चाहिए ना यार, तुम्हें इसकी फाइट देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? 7 साल का बच्चा देखो स्पाइडरमैन खेल रहा है, मैं इसकी फाइट देखनी चाहिए? मैं तो ऑब्वियसली मैं तो बहुत अच्छी खेल सकता हूँ, इससे 11 गुना अच्छी। चुप रे यार, तुझे शक है कोई? हैविश हाँ है। देखो ये मोटे को मार नहीं पा रहा अभी तक, मैं होता तो मार भी दिया होता यार। पता है वो वाली गेम होती ना जो मैं खेल रहा था अभी तक, क्या बोलते उसको? उसका कोई लेना देना ही नहीं है इधर। नाम क्या उसका? उसका लेना देना नहीं है कोई इधर, हमें लेना देना ही नहीं और किसी गेम से। अभी हम खेल रहे स्पाइडरमैन, गेम तो हमारे पास 50 पड़ी हुई है अभी तो, लेकिन स्पाइडरमैन हमारी जान है ना। दिखाऊंगा नहीं, गॉड रोरिंग ने रॉक की सीढ़ी है, ड्रैगन बोल जी है, पता नहीं ड्रैगन में कुरा गया। तुम भी चले यार, वो काट का था तुमने देखा है? भाई क्या प्यारे बढ़िया ग्लिच है भाई इस गेम में कसम से, अब देखना गुस्सा। कहां ग्लिच? अब देखना देखना गुस्सा देखना ग्लिच है, ग्लिच कहाँ है बे? मैं गुस्सा आया स्पाइडरमैन को, बोलता है क्या है? स्पाइडरमैन को नहीं आया, वेनम को आया भाई। देखो भाई अरे हम कैसे उड़ते हैं भाई, पूरा 360 देख रहे हो तुम? ये मैंने सिखाया था इसको, और ये देखो ये मैंने सिखाया था इसको, देखा ये मैंने सिखाया था इसको। भाई इधर अब आने वाला भालू। हाँ भालू से मैं लड़ता हूँ, भालू आने वाला इतना बड़ा। अब मेरे को याद है कि यहाँ पे ना इधर वो हथौड़े लेके बड़ी मार पड़ी थी मेरे को एक बार, मेरे को कभी नहीं पड़ी इससे इतनी। ओ भाई कितना बड़ा है, तो हैविश इससे लड़ेगा। ये वो वाला भालू नहीं है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा हाथ मेरे साथ, क्या बोल, बड़ा वाला बंदा है बस वही तो। भाई अल्लाह मेरे को टाइम पता है यार, मार दे इसको, मार दे मार दे इसको भाई, एक मुक्का नहीं मारा उसने, मेरे को मर गया बेचारा। अरे तूने सिम्बियोट सर्ज ऑन कर ली ना फिर तो मरेगा ही, बिना इन पावर्स का यूज किए मार गया होता तो मानो जैसे मैं मार। हां तो अब रीमैच करूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है। हां तो बोल रहा हूं भाई तू खा रहा है जब ही मर्जी ना कर, मेरे हाथ में ना रिमोट। बिल्कुल बिल्कुल। ए किथे जानदा तू, ये देखो मेरी वाली पावर भाई, कितना को उठाया। आ जा सब बंदो बीच में, ये खाओ। तू जिंदा कैसे बचा बे? वो देख ये वाली पावर तो क्या ही बढ़िया ना, तो बंदा चिपक जाता है पूरा। मैंने डाली है ना? तूने भाई तो गेम तूने ही तो नहीं बनाई है कहीं, मुझे तो लग रहा है गेम भी हैविश ने बनाई है, पावर इसने डाली है। मैंने डाला है। हाँ मैं गेम का डेवलपर भी तो तू ही है, भूल गया तू? हाँ इंसोमिया गेम्स के साथ तूने पार्टनरशिप की थी। ये मेरा मामू है और ये मेरे को एक दिन बोल रहा था कि मैंने गॉड ऑफ वॉर बनाई है। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था कि गॉड ऑफ वॉर में जो क्रेटोस है वो मेरे ऊपर बेस्ड है।
हाँ ये बोला था, वो कैरेक्टर मेरे ऊपर बेस्ट। नहीं यार ये झूठ है, इतना लंबा सच बात है, जाओ सर्च कर लो। मुक्का मार फिर। वो मेरे ऊपर बेस्ड है भाई वो। और नहीं ऐसा, ये बहुत तो कम लोगों को पता है। बेस्ड रहेगा ना? नहीं देखो भाई ये झूठ बोल रहा है आपसे, नहीं इसकी बातों में यकीन मत करना। I'm coming. भाई अब मेरे को दिखा दो। अब हम जा रहे हैं, बेसिकली क्रेवन को हमने ढूंढना था, ठीक है? क्रेवन हमें इधर, तो क्रेवन हमें इधर मिलेगा। क्रेवन आ चुका है बॉस। भाई सेंस ऑफ बीस्ट, तो क्रेवन चाहता है कि अपनी फुल पावर पे आके लड़े इसके साथ, लेकिन स्पाइडरमैन अभी ऐसा करेगा नहीं, उसको मतलब है सिर्फ उससे जो उसके गले पे है। अब ये घंटे वजह देखो इसको क्या होगा, अब पाख हो जाएगा। हाँ। तो देखो उसके वो निकल रहे हैं, तो क्रेवन को समझ आएगा कि अच्छा इसको घंटी से कुछ होता है। ये जाता है अब कि उसके अंदर से वैनम उसके अंदर चल जाए, है ना? है ना? बाय बाय बाय। यार अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि यार बाकी गेमर्स की तरह तुम भी कुछ फनी फनी करो, फनी फनी बोलो ऐसे वक्तों पे, लेकिन भाई मैं सही बताऊं गेम इतनी इंटरेस्टिंग है, इस वक्त पे कुछ बोलने मन नहीं करता, मन करता देखो इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, थोड़ी ओरिजिनलिटी दिखाते हैं हम। ये ले शीशा उसके अंदर लगा। बाकी तो देखो जो हरकतें होती हैं हम गेमर्स की तो वो तो है ही। हाँ वो है भाई, तो बड़े बड़े गेमर्स ने माने। कौन था वो, टेक्नो गेमर था या पता नहीं कौन था, उसने एक इंटरव्यू दे रहा था कि क्या वो कह रहा था ऐसे जान पूछ के ऐसे करके हंसना पड़ता है, बोला था ना उसने ओए, फन के लिए फन दिखाते हैं लोगों को लगे कि इन्वॉल्वड है। ओए, हम भी आपके हैं, वो करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी जब ऐसे इंटेंस वो आती है ना सीन्स, तो तब है नहीं निकलता तब। तू कुछ बोल रहा था टेक्नो गेमर की फर्स्ट वीडियो, तो भाई हैविश आज कुछ बोल रहा है, बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमने आपको दिखा दिया कि जब पीटर बनता है वेटर तो वो कितनी गंदी सर्विस करता है, मैं तो गया होटल की ऐसी तैसी हो जाती है। जी हाँ। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, जो सीरम का सैंपल हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। और अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम डॉक्टर कॉनर से मिलवाएंगे, जो कि इतनी बड़ी छिपकली बन चुका है इस टाइम पे। सिस्टम हम फाड़ देंगे और छिपकली हम ढूंढ लेंगे और उससे हम लड़ेंगे, उसको दोबारा इंसान बनाएंगे। तो अब हम आपसे चाहते हैं इजाजत, क्योंकि अब टाइम है हैविश का एक बहुत ही बढ़िया डांस दिखाने का। ये वाला याद है ना? तो चलिए भाई खत्म करते हैं अपनी वीडियो। आई एम हैविश शर्मा।